सो हेलो फ्रेंड्स, देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है। अ व्हील मेक 4000 रिवॉल्यूशन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, द रेडियस ऑफ व्हील इज। इन्होंने बोला है कि एक व्हील है, चाक जिसको बोलेंगे हम लोग टायर, वो 4000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। 4000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कितने डिस्टेंस पे? 60 किलोमीटर पे। पहले 1 किलोमीटर कितना होता है ये देख लो। 1 किलोमीटर है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। तो 60 किलोमीटर कितना होगा? 60,000 मीटर, 60,000 मीटर। ठीक है, 60 × 1000 करके 60,000 मीटर आ गया। मतलब इतना मीटर कितने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो रहा है? 4000 रिवॉल्यूशन में। ठीक है, 60,000 मीटर कितने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो रहा है? इज इक्वल टू 4000 रिवॉल्यूशन। तो मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर कितने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होगा? या हम लोग उल्टा करेंगे, 1 रिवॉल्यूशन पर कितना मीटर कंप्लीट हो रहा है? 1 रिवॉल्यूशन पे कितना मीटर कंप्लीट हो रहा है? तो हम लोग देखेंगे यहां पर, सिक्सटी थाउजेंड को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4000 से। ये 4000 इधर आ जाएगा, 60,000 डिवाइड बाय 4000, 30 कैंसल, 4 1 4, 15 60। तो 1 रिवॉल्यूशन पर 15 मीटर कवर हो रहा है। 1 रिवॉल्यूशन पे कितना मीटर कवर हो रहा है? 15 मीटर कवर हो रहा है। ठीक है, अब हमको रेडियस ऑफ व्हील चाहिए। 1 रिवॉल्यूशन मतलब होता है, 1 रिवॉल्यूशन मतलब होता है पैरामीटर ऑफ द व्हील, व्हील का पैरामीटर होता है 2πr। 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर होता है। ठीक है, अब 1 रिवॉल्यूशन यहाँ पर 15 मिनट है, तो 15 मिनट लिख देंगे 2πr। रेडियस हमको निकालना है, ये 2π इधर आके डिवाइड हो जाएंगे 15 से, 15 डिवाइड बाय 2π इज इक्वल टू रेडियस। मैं इधर से लिख देता हूँ 15 डिवाइड बाय 2π। अब पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। तो 15 डिवाइड बाय 2, पाई की वैल्यू होगी 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 15 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 22। इसको आप डिवाइड करो, 15 7 से कितना होता है? 105 होता है, 22 2 44। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 44 2.39 मीटर। तो रेडियस कितना हो रहा है? 2.39 मीटर। उस व्हील का रेडियस है 2.39 मीटर।